हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एसएम के गार्डन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपने गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग करूंगी। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए हम मिट्टी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें मिट्टी लेनी है। तो ये देखिए, मैंने मिट्टी ली हुई है दोस्तों। दो तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से मिट्टी बहुत गीली हो गई है। ये देखिए, बिल्कुल गीली मिट्टी है। तो इसकी वजह से मैं इसमें थोड़ी सी जो जमुना रेती होती है वो इसमें मिक्स करूंगी, क्योंकि दोस्तों मिट्टी बहुत गीली है। इसकी वजह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और जो तीसरा है वो है ये गोबर खाद। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें कुछ 4-5 मुट्ठी के आसपास गोबर खाद मिक्स करूँगी। ये देखिए, ये मैं नर्सरी से लेकर आई थी गोबर खाद। तो इसको भी मैं मिट्टी में मिक्स कर लूँगी। उसके बाद दोस्तों, हमें इसमें जो डालना है वो है नीम की खली। तो दोस्तों, एक मुट्ठी के आसपास मैं इसमें नीम की खली मिक्स करूँगी, क्योंकि फंगीसाइड की जगह हम नीम की खली का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अभी इसमें 4 चीज़ें मिक्स कर ली है, और जो 5वीं चीज़ है वो है कोकोपीट। तो थोड़ा सा मैं इसमें कोकोपीट भी मिक्स कर लूँगी। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने पौधे को इसमें लगाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं बड़ा पॉट लेके आई थी। तो इस पॉट में मैं अपने गुड़हल के पौधे को लगाऊंगी। उससे पहले दोस्तों, हमें इसमें अच्छे से होल बना लेना है, क्योंकि अभी डेली बारिश आती है, और अगर इसमें पानी बाहर नहीं निकला तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसमें 3 से 4 होल बना लूँगी, और उसके बाद उसमें छोटे छोटे पत्थर रखकर इसके अंदर हम मिट्टी डाल देंगे। और मिट्टी डालने के बाद हम इसमें अपना पौधा लगाएंगे। ये टाइम दोस्तों रिपोर्टिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी डेली बारिश आ रही है, और इस टाइम हमारा पौधा अच्छे से लग जाएगा। क्योंकि वैसे अभी गर्मी का टाइम है और धूप तेज़ होती है, तो इसलिए हम गर्मी में अपने पौधे की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो है डेली बारिश होती है, इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से दोस्तों हम धीरे धीरे से जो पॉली बैग है उसको बाहर निकाल देंगे, और अपने पौधे को, ये देखिए, इसका पौधा बिल्कुल ही साइड में लगा हुआ है, और इसकी रूट्स भी काफ़ी लंबी लंबी है। तो बस दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि पॉली बैग को बाहर निकालते समय हमारी रूट्स टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसकी रूट्स टूट गई तो हमारा पौधा ख़राब होने का डर रहता है। तो देखिए, अब हमारा पौधा लगकर तैयार हो गया है। मैं इसके चारों तरफ अच्छे से मिट्टी डाल दूंगी, क्योंकि पॉट काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसमें ज़्यादा मिट्टी डालनी पड़ेगी। इसके लगाने के कम भी 15 दिन तक दोस्तों, हमें इसमें कोई खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। कम से कम भी 10 या 15 दिन बाद में ही हम इसमें कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। उससे पहले हमें इसमें कुछ नहीं डालना है। तो ये देखिए, मेरा पौधा लगकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, और पानी डालने के बाद दोस्तों, हमें इसमें 1 या 2 दिन के लिए छाया में ही रखना है। बहुत ही तेज़ धूप में हमें इसको नहीं रखना है, क्योंकि तेज़ धूप में हम इसको रखेंगे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें इसको छाया में ही रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।